घटिया कंपनी है ना, ये बिल्कुल ना डलवाएं, इनको बिल्कुल फेंकना है और हमेशा, और ओरिजिनल जो है ना ये होंडा वाला भी हम डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल फाइन। तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि होंडा सिविक की मेंटेनेंस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, तो आज की वीडियो होंडा सिविक की मेंटेनेंस पे होने वाली और कंप्लीट ब्लॉग इंशाल्लाह शूट करने की कोशिश की जाएगी। तो साथ आपको बर्ड्स की आवाज़ आएंगी तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। तो मेंटेनेंस में हम लोगों ने बेसिकली आज कराना सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये ऑयल चेंज कराएंगे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड इंजन फ्लश है। ओवरव्यू दे देता हूँ, ये इंजन ऑयल है, होंडा का ओरिजिनल ऑयल है 5W30 और 3.7 लीटर की पैकिंग में आता है, मतलब जो जितना ऑयल सिविक में पड़ता है उतना ही ऑयल की पैकिंग आती है। उसके बाद होंडा का ओरिजिनल एयर फिल्टर है और ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है ये। इनकी मैं आपको क्लोज शॉट्स भी बता दूंगा ताकि आपको पता चल जाए, अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता हो कि ओरिजिनल कौन सा और आफ्टर मार्केट कौन सा। उसके बाद ये इंजन फ्लश है, बेसिकली इसकी ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं भी थी लेकिन थोड़ी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑयल चेंज करा रहा हूँ अपनी गाड़ी का तो इसलिए मैंने ये लेने का, ये यूज़ करने का सोचा है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो में बात होगी। अब असली इनको बता दिया जाए प्राइसेस का इन तमाम चीज़ों की, नहीं नहीं कोई नहीं, देख लेंगे वीडियो एंड तक देखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो फिर आपको इन चीज़ों की प्राइस भी बताता चलता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि प्राइस जो वो एंड पे बताई जाती है ताकि ऑडियंस को एंड तक खींच के रखा जाए, उन्हें बोर किया जाए। तो प्राइसेस जो है इंजन ऑयल की प्राइस की अगर बात की जाए तो ये 3600 रुपये का, 3600 का। अगर आपका ऑयल ग्रेड लाइक 0W20 होगा तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये 5W30 है तो ये 3600 का है। एयर फिल्टर की प्राइस की अगर बात की जाए इसकी प्राइस है 3600, सरप्राइजिंगली इन दोनों की कीमत बिल्कुल सेम है। ऑयल फिल्टर जो है ये 1150 का है ओरिजिनल, और ये जो इंजन फ्लश है ये तकरीबन 500 या 600 का है, बट मैंने ऑनलाइन मंगवाया, मुझे 700 से 800 का पड़ा है। तो अगेन अगर ये तमाम चीज़ें ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर अगर आप आफ्टर मार्केट जैसे लिपॉन कंपनी है उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो एयर फिल्टर आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा और ये वाला जो है 400 या 500 का भी मिल जाएगा, बट ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। तो अब वर्कशॉप पे जाएंगे और कंप्लीट जो है ना आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ऑयल चेंज का और इंजन फ्लश का भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखते हैं जो ऑयल जब लास्ट बंदे ने चेंज कराया था ना उसके बाद 4400 कुछ चल चुकी है और पेट्रोल के भी हालात कम है। क्या पढ़वाते हैं क्योंकि अभी इंजन फ्लश करना है ना हमने, तो उसके लिए भी 10 मिनट गाड़ी तकरीबन स्टार्ट रखनी पड़ेगी। बल्कि लुकमान इसके नीचे तो वो लगी है पूरी ना शीट लगी हुई है, कारपेट है ये ग्रैंडी वाले हैं यार, क्वालिटी ग्रैंडी की बहुत अच्छी है, ठीक है कारपेट लगा हुआ है बिल्कुल पैक्ड है, अगर छोटा मोटा लग भी जाए ना आपको गाड़ी में तो थोड़ा बहुत बचा लेती है। कितने नट लगे होते हैं नीचे? तकरीबन 10-12 मक्की होती है। इसमें जो है ना वो क्लिप्स लगे होते हैं तो प्रॉपरली मोस्टली ये होता है क्लिप्स जब दोबारा सही से ना लगे ना तो ये हाई स्पीड्स में उतर जाती है, तो इसका अच्छा ये सिर्फ ये खुलेगी या प्लास्टिक भी खुलेगा आगे? खुलेगा। अच्छा सिर्फ ये खुलेगी, ये हो गई नीचे। इसका ये करोला में ये वाला ये नहीं होती टोयोटा में, डायरेक्ट नीचे होता है सारा कुछ। अभी वो डालना फ्लश डालना। हाँ फ्लश इंजन फ्लश डालना पहले ये वाला नट खोल के निकले को ऑयल। नहीं नहीं ये वाला। अच्छा ये वाला। ये गियर का है। अच्छा ये गियर का है। ये ऑयल फिल्टर ये लगा हुआ है। सही हो गया। चलें फ्लश डालते हैं ना। तो फ्लश अभी हम डाल रहे हैं। इसको भी डालने के बाद हम 10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे स्टैंडर्ड RPM पे और उसके बाद हम ऑयल ड्रेन आउट कर देंगे। गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। यस तो अब एक टाइम नोट कर लो ना। 350
ठीक है, 10 मिनट बाद इसको हम निकाल देंगे। इंजन फ्लश वाली गेम तो ख़त्म हुई है, अब इस ऑयल से हाँ इसी नट को खोलेंगे और फिर ये ऑयल फिल्टर ये लगा हुआ है। नीचे से व्यू भी ले लें आप, होंडा सिविक एक्स 10th जनरेशन। यार ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत पसंद आई है, फुली पैक्ड है, बहुत अच्छे से पैकिंग हुई हुई है इसकी। मेरे पे तो नहीं आएगा ऑयल, फ्लश करके निकलेगा मैं कह रहा हूँ सही। इंजन जो है ना बड़ा साफ सुथरा हो गया होगा अंदर। पतला ऑयल है ना उस फ्लश की वजह से, ये ऑयल फिल्टर निकले इसके अंदर भी ऑयल है। तो ये एयर फिल्टर भी निकालने लगे हैं। अच्छा तरह इसका ब्रांड बताना साइड पे, ये लिपॉन का पहले डाला हुआ है भाई। ये जो ये कंपनी है ना ये बिल्कुल ना डलवाएं, इनको बिल्कुल फेंकना है और हमेशा, और ओरिजिनल जो है ना ये होंडा वाला भी हम लोग डालेंगे। ऑयल वगैरह चेंज हो गया, अब ये जो 4,500 वाला मीटर है ना इसको भी हम ज़ीरो करेंगे। ट्रिप भी ज़ीरो हो गया और अभी थोड़ी सी ड्राइव पे लेके चलते हैं ऐसे, फिर ज़रा इसका थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें चेंजिंग आई है। अच्छा आप देखें ये बड़ा इसमें इशू है कि आपने अगर मीटर ज़ीरो किया तो आपकी फ्यूल एवरेज भी ज़ीरो होगी, या फ्यूल एवरेज अगर आप रीसेट करना चाह रहे हैं तो आपका मीटर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये होंडा में जो है ना ये एक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये वाला सीन, इसका साउंड है ना वो थोड़ी कम हुई है, ये एक थोड़ा सा है। बाकी अब रश में इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कि ओवरऑल अभी इसका सीन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी फ्यूल एवरेज वगैरह जो है वो चेंज, उसमें क्या चेंजिंग आती है वो मैं इंशाल्लाह अलग शॉर्ट वीडियोज़ में जो है ना आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल मेरे ख्याल से वीडियो बिहाइंड कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इंशाल्लाह, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आते रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।